बात यूपी के एटा की करेंगे, जहां पर बवाल हुआ है। एटा में भी जमीन के कब्जे को लेकर बवाल हुआ है। जानकारी के मुताबिक दरगाह के पास खेत में बन रही बाउंड्री को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया। राजग तत्वों ने दीवार तोड़ दी और विरोध करने पर पथराव किया। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है, ऐसी खबरें भी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर तुरंत काबू तो पा लिया, लेकिन कार्रवाई करते हुए पथराव कर रही भीड़ को खदेड़ा भी। तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने दरगाह के पास फ्लैग मार्च किया और इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की है। दरगाह इब्राहिम है, जिसकी काफी जमीन जो है एकदम खुली में अभी तक पड़ी हुई है, सुरक्षित है। और उसी जमीन से लगा हुआ जो है प्राइवेट व्यक्ति सतीश चंदात का जो है लगभग 1.7 हेक्टेयर, यहाँ छोटे बीघे 20 बीघे होता है, उतनी जमीन जो है उसकी है। वह व्यक्ति जो है अपने जमीन की बाउंड्री करवा रहा था, लगभग जो है 20-25 मीटर जो है बाउंड्री सीमेंट के पिलर से जो है वो करा दिया था कि इतने में जो है दूसरे पक्ष के कुछ अराजक तत्व जो है 40-50 संख्या में पत्थरबाजी करते हुए आए और उसकी जो है बाउंड्री को क्षतिग्रस्त कर दिया, गिरा दिया है। स्थानीय पुलिस मौके पहुंच करके जो है स्थिति को संभालना, और इस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है।